नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। बॉलीवुड के सिंघम और कॉमेडी किंग अजय देवगन एक बार फिर से अपनी एक जबरदस्त मूवी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है मैदान। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे मैदान मूवी का पोस्टर लगा हुआ है। तो चलिए फिर तमाम इनके फैंस से जानेंगे कि क्या कुछ है इनका रिएक्शन मूवी को देखकर। आइए फिर चलते हैं। मैदान मूवी देखकर आरू कैसी लगी? ओके, अच्छी नहीं लगी? सर नहीं, अच्छी है। आपको कैसी लगी? गुड, फाइन। ये क्या था, कॉन्सेप्ट क्या? फुटबॉल रिलेटेड था सारा और ज्यादा कुछ नहीं। 1962 में एशिया कप जीते थे, उसी के रिलेटेड। और अजय एज अ कोच के कैरेक्टर में कैसे लग रहे? अच्छे थे, डोमिनेट रोल था, अच्छा था। सो क्या लगता है कि अब लोगों को फुटबॉल से भी प्यार हो जाएगा? ऑलरेडी है, बट इंडिया में इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती उस चीज को। क्रिकेट वगैरह ज्यादा दी जाती है, जैसे नेशनल गेम हॉकी है, बट उसको भी इतनी प्रेफरेंस नहीं देती है। एल्स ठीक है, इट्स गुड। मूवी को कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 इट्स 4। वन टाइम वॉच है, दोबारा देख सकते हैं? इट्स अ वन टाइम वॉच, लंबी है ज्यादा। अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? मतलब जो लास्ट उसका फुटबॉल का था, इतने टाइम बाद जीती है वो, उसने जो अपने एप्रिशिएट दिया, उससे पहले तो कोई भी नहीं था जितना उसने दिया अजय देवगन ने। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा उसमें? वो लास्ट में जो इतने टाइम बाद वो वर्ल्ड कप वो एशिया गेम्स में जीते, वो अच्छा था कि लास्ट में जो जीते, और लास्ट में तो लगा था कि वो हार जाएंगे, बट वो। अजय देवगन की एक्टिंग कैसी लगी? अजय देवगन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और सभी प्लेयर्स की एक्टिंग अच्छी थी जिन्होंने की, बट और जो पहले जो प्लेयर्स थे उनकी भी बिल्कुल वो सेम ही लग रहे थे जो पहले, अब जो एक्टर्स हैं प्लेयर्स के साथ। मूवी देखकर क्या समझ आया, क्या सीखा? सीखा तो ये है कि वहाँ पे वो मूवी अच्छी है, उसमें बस ये है कि हार नहीं माननी चाहिए उसमें। अगर हम हार, बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिसमें हम हारने वाले थे तब भी वो जीत गए, तो इसमें बस यही लगता है कि वो हार नहीं माननी चाहिए। तो कितना मूवी को रेट करोगे आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 4.5। मैदान कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी थी। क्या अच्छा लगा? कौन सा ऐसा पोर्शन है जो अच्छा ना हो? सब अच्छा है, आई थिंक सबको जाना चाहिए देखने। एक्टिंग कैसी है? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। और अजय देव अपने आप में इट्स लाइक आउट ऑफ लेवल, इट्स लाइक बियॉन्ड थिंकिंग है मूवी की, ऐसे भी जा सकती है। तो मूवी से जितनी भी आपको एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा गई है या फिर उससे नीचे गई है? आई थिंक दिस इज बेस्ड ऑन द सिमिलर मूवी गोल्ड व्हिच वाज रिलीज्ड क्वाइट 4-5 इयर्स बिफोर। तो रीमेक था? नो, इट इज नॉट रीमेक, दैट वाज ऑफ द ओलंपिक्स ऑफ हॉकी and this is related to football, so I found it that better because the sound, action, camera was very good, and this is quite emotional movie. Yeah, like it brings the climax as that ki thoda emotional ho jaoge ab last time. Like I do cancer hota hai, lung cancer, but wo sabse chupa ke fir bhi wo reback karta hai, और फेडरेशन के सपोर्ट से वो फिर से जाता है, कोच को ट्रेनिंग देता है और इस लेवल तक पहुंचाता है। अजय देवगन एज अ कोच कैसे लग रहे हैं? उम्मीद थी उनसे? आई मीन कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। सो कितना ओवरऑल मूवी को रेट करोगे आउट ऑफ 5? कंप्लीट 4। दोबारा देखोगे ये मूवी? मौका मिले तो जरूर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोग किस तरीके से मैदान मूवी की जमकर तारीफें कर रहे हैं, दर्शकों को मैदान मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। वेल, देखना ये बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि मैदान मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना जाएगा। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप मुझे नीचे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि क्या आपने अभी तक मैदान मूवी को देखा या फिर नहीं देखा।